ओके गाइस, नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसकी मैं एक्सरसाइज कराने से पहले आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जल्दी से क्विकली। ये पूरा जो चल रही है सीरीज वो क्वेश्चन सॉल्व करने की चल रही है, तो कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से बताऊंगा। तो पहले एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो देख लो। मान लो ये कोई है, ठीक है, मान लो ए बी और सी है। तो ये जो कॉमन वर्टेक्स है ना, ये कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट से मैं लाइन खींचू तो ये वाला एंगल यानी ये एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे, मतलब जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है और एक ही कॉमन आर्म भी है, ये आर्म कॉमन है ना, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। समझ गए यहाँ तक बात? अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, समझ लो बस उसको, समझते जाओ। चलो अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट होता है लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या होता है, एक ये सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पे मैं ये खींचू लाइन, तो ये वाले जो एंगल है ना, सीधी लाइन पे जो एंगल बनते हैं एंगल वन और एंगल टू, ये लीनियर एंगल है सीधी लाइन पे, ठीक है, इसको आप लीनियर एंगल बोलते हैं। लीनियर मतलब ये सीधी लाइन पे जो बनते हैं एंगल, ठीक है। नेक्स्ट समझ लो, अब देख लो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। मान लो ये दो लाइन आपस में से इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट ये एक्स बन रहा है ना, तो इस जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जैसे लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके ये जो एंगल है, ये इसे ये जो एक्स पे बनते हैं जो ब्लू कर रहा हूँ, ये वन और टू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और पता है ये भी तो देखो, ऐसे इधर देखो, ये तो हमने वर्टिकल देख लिया, ऐसे भी देखो, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ ये भी वर्टिकली अपोजिट है, थ्री ऑफ फोर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, एडजेसेंट एंगल, लीनियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो एक और चीज, एक लास्ट चीज और समझाता हूँ मैं, रिफ्लेक्स एंगल, वो भी क्वेश्चन में यूज होगी। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, गौर से सुनना। मान लो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है एंगल वन, ठीक है, समझ गए एंगल वन। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो एंगल है ना, ये जो पिंक से मैं कर रहा हूँ, ये वो होता है रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली। इसको मैं मान लो आर लिख लेता हूँ, तो ये आर रिफ्लेक्स एंगल है फॉर एग्जाम्पल, समझ गए मेरी बात को। मतलब जो ये एंगल है उसके जो अपोजिट वाला होगा वो, मान लो कहते हैं ये एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मान लो वो क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल वन, एंगल वन ये जो येलो वाला है इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, ये पूरा जो पीछे वाला है रिफ्लेक्स, वर्ड को समझो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये तीन चार चीजें आपको समझनी चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टी है वो भी समझा दूं आपको, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे, क्वेश्चन से समझना। अच्छा मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये ऐसे जो क्रॉस पे बन रहे होते हैं, दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती है, मान लो ये लाइन वन है और ये पिंक वाली लाइन टू, ये लाइन वन है और ये लाइन टू है, इंटरसेक्ट हो रही है आपस में इस पॉइंट पे, तो ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक तो ये दोनों ब्लू वाले और एक ये ऑरेंज वाले, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इनके नाम भी दे देता हूँ, ब्लू वालों का वन और टू दे देता हूँ, ब्लू वालों का वन और टू नाम दे देता हूँ, और ये ऑरेंज वाले का थ्री और फोर दे देता हूँ। तो वर्टिकल एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम ये कहती है आपकी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वन और टू वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे, यानी एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा, सिमिलरली एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर होगा। ये एक थ्योरम नंबर वन है कि जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे लाइन वन और लाइन टू आपस में इंटरसेक्ट की, ये हो गए थ्योरम वन। एक और थ्योरम देख लेते हैं। अच्छा इसको थ्योरम बोल लो कॉन्सेप्ट बोल लो, वैसे बुक में एक वर्ड यूज किया है एक्सियम नाम का, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नए नए वर्ड एक्सियम बोल लो इसको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन ना, उस पर ये एंगल बन रहा है, मान लो ये लाइन खींच दी मैंने और ये एंगल बन रहा है, एक एंगल वन एंगल टू, तो ये लीनियर एंगल्स हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट में पहले कि एंगल वन एंड एंगल टू ये क्या है, क्या नाम है इनका, लीनियर एंगल्स। क्यों है लीनियर एंगल्स, क्योंकि ये सीधी लाइन पे बने हुए हैं तो लीनियर एंगल्स है। तो ये कॉन्सेप्ट या एग्जाम जो मर्जी ये कहता है कि सम ऑफ लीनियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? अब इसी में एक चीज जो मैं अगर आपको और बताऊं, इसी में एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसी में एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ कि देखो अगर आप गौर से देखो तो ये एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब एडजेसेंट, इंग्लिश का वर्ड है ना एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक पास पास वाले, तो बेसिकली इनको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई लाइन है सीधी लीनियर, उसके पास जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वो घुमा के वही बात है बेसिकली। आपको याद रखना है कि लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका टोटल सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ कॉन्सेप्ट। अब इनको इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना, 4-5 मिनट की वीडियो है, उसके बाद हम सीधे चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे क्विकली, ठीक है। चलो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का ये फिगर दे रखा है और हमें बोल रखा है कि ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्ट करती है ओ पे, ठीक है, ए बी और सी डी लाइन, और
ये दे रखा है कि एंगल AOC और BOC 70 डिग्री है, BOD 40 डिग्री है, और पूछा है फाइंड एंगल BOE, BOE यानी जो फाइंड करना है उसको मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। BOE यानी ये फर्स्ट एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ COE यानी पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट में। तो देखो आप एक काम करो, इसको हटा दो एक सेकंड, एक काम करो, मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर जो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं लीनियर एंगल का मैंने बताया था ना, उनका सम 180 डिग्री होता है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाके देख लेना। तो पहले इस वाली लाइन को विजुलाइज करो, ये जो ऑरेंज में खींच रहा हूँ ये ए बी, तो इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस ये वाला एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस ये वाला एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, इसका सम कितना होगा? मैंने क्या बोला था लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं ये तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इस वाली लाइन को विजुलाइज करो, ये जो मैं पिंक से कर रहा हूँ ये वाली सी डी, इस वाली लाइन को विजुलाइज करो। इस वाली लाइन को जब विजुलाइज करोगे तो एंगल ये वाला यानी सी ओ ई प्लस एंगल ये वाला यानी बी ओ ई प्लस एंगल ये वाला यानी बी ओ डी, इसका सम भी 180 डिग्री होगा क्योंकि लाइन पे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने ये दोनों लाइन ले ली। अब इन दोनों में ना अब जो जो चीजें हैं वो लिख के देख लो। तो दे रखा है कि AOC plus BO 70 डिग्री, तो AOC plus BOE 70 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं 70 डालूंगा तो CO की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 उधर जाके 110, तो COE की वैल्यू आ जाएगी 110। यहाँ तक बात समझ आएगी। तो एंगल COE 110, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये हमने निकाल दिया ऊपर COE 110 है, तो इस वाली इक्वेशन में CO की वैल्यू डाली मैंने 110, ठीक है, COE की वैल्यू डाली 110, और BOE हमें नहीं पता, BOD की वैल्यू दे रखी 40, तो 110 प्लस 40 कितना होता है 150, है ना। अब BOE की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, कैसे आएगी BOE की वैल्यू, क्योंकि इस 150 को हम उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 150 30, तो BOE की वैल्यू हो गई 30, तो BOE की वैल्यू भी आ गई 30। तो एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, एंगल BOE की वैल्यू हमने निकाल दी 30 डिग्री। अभी कह रहा है COE का रिफ्लेक्स, तो ये COE है 110, और रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स होता है उसके पीछे वाला, मैंने बताया ना पूरा, तो ये पूरा रिफ्लेक्स होगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना येलो से डार्क डार्क, ये रिफ्लेक्स होगा, ये COE है जो कि 110 हमने निकाल ही दिया, तो इसका पीछे रिफ्लेक्स होगा, तो इसके पीछे मतलब टोटल अगर मैं पूरा सर्कल बना लूँ तो 360 डिग्री होता है, जिसमें से COE 110 है, तो 360 में से 110 हटा दूँ तो ये पीछे वाला आ जाएगा येलो वाला, तो 360 में से 110 जब मैं हटाऊंगा तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE बन जाएगा 250 डिग्री। तो आंसर आपका हो जाएगा BOE की वैल्यू होगी 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ COE की वैल्यू होगी 250 डिग्री, ठीक है। दोबारा सुन लेना, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा मेरी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो वो देख लो, ये मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो कि इसमें जल्दी कैसे सॉल्व हो रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है, ठीक है, तो कोई की होगा, बाकी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये फिगर है आपके सामने, ये POY तो एंगल 90 है, दे ही रखा है क्वेश्चन में भी, और ये मार्क 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है, और ए और बी की जो रेशियो दे रखा है वो 2:3। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कॉन्सेप्ट में कि जो लाइन है ये लाइन एक्स वाई है, इसके ऊपर जो टोटल सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है, यानी बी प्लस ए और ये तो 90 है ही, तो मतलब वो 180 होगा, तो यानी बी प्लस ए भी 90 होगा, ठीक है, तो बी इन दोनों का सम ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा, इनका रेशियो दे रखा है 2:5, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तो यानी 5 इन दोनों को सम ऐड कर दो 5x = 90 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18, और इस हिसाब से 18 × 2 a की वैल्यू हो जाएगी 36 और b की वैल्यू हो जाएगी 54, तो यहाँ से b की वैल्यू हो गई 54 डिग्री, b 54 डिग्री हो गया, और b और ये अपोजिट एंगल है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं x y और mn, ये x y और mn ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 54 है, तो ये 54 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब पूछा है c, तो ये भी इस लाइन का सम है, नीचे नीचे वाला सम भी 180 डिग्री होगा, तो ये 54 है, तो 54 प्लस सी 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो 126 डिग्री, और जो कि है आपका आंसर, क्योंकि हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये फिगर देख लो, इसमें दे रखा पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस, और हमसे पूछा पी क्यू एस यानी ये और ये एंगल भी सेम होंगे, ये पूछा है। तो देखो थ्योरम से हमें पता है कि लीनियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल पी क्यू आर, इस वाले में अगर हम देखें तो पी क्यू आर और पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस
180 डिग्री होगा। सिमिलरली इस वाले में हम देखें तो पी आर क्यू प्लस ये पी आर टी, इसका सम भी 180 डिग्री होगा, पता है ना लीनियर एंगल जब लाइन पे एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस अब इन दोनों को इक्वल कर दो और पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, ठीक है पी आर क्यू, तो आप इसको इक्वल कर दो। इसको ठीक से देखो, हम यहाँ पर पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पी आर क्यू अगर मैं लिख दूंगा तो ये वाला पी आर क्यू और ये वाला पी आर क्यू कट जाएगा और हमारा इक्वल हो गया पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी, ये प्रूव कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड। देखो भाई ये फिगर दे रखा है जिसमें हमें बोल रखा है कि ये जो एक्स प्लस वाई है और डब्ल्यू प्लस जेड, यानी ऊपर के दो एंगल और नीचे के दो एंगल बराबर है, और हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूव करना है। तो लाइन प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि हमें ये एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं लीनियर पेयर उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है, या फिर ये प्रूव कर दें नीचे डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है। इसमें रखकर कि ये दोनों इक्वल है, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें पता है कि जो पूरा ये सर्कल बनता है उसका सम 360 होता है, यानी कि इन सब का सम 360 है। तो देख लो इन सब का सम 360 तभी होगा जब ऊपर वाले x प्लस वाई 180 डिग्री होंगे, x प्लस वाई 180 डिग्री होंगे, और हमने प्रूव कर दिया, हेंस हम ये कह सकते हैं कि ओ बी एक लाइन है, सिंपली खत्म क्वेश्चन। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें हमें प्रूव करना है आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पी क्यू जो है ये एक लाइन है, तो इसका मतलब लाइन है तो उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी एंगल पी ओ क्यू 180 डिग्री होगा, और ओ आर परपेंडिकुलर है तो एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब एक लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं। तो यानी अब मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ, एक तो ये 90 डिग्री आर ओ क्यू प्लस ये वाला आर ओ एस प्लस ये वाला पी ओ एस, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों सारे लीनियर एंगल हैं, ये और ये 90 तो है, ये तीनों का सम 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं लीनियर एंगल उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें पता है कि ये जो आर ओ क्यू है, कहाँ गया आर ओ क्यू, ये वाला जो है ये 90 डिग्री है, तो इसको हम 90 डिग्री लिख के उधर भेज देते हैं, तो हमें मिल जाएगा आर ओ एस प्लस पी ओ एस की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लो, ये हमें मिल गई क्योंकि आर ओ क्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, क्वेश्चन में दे रखी है 90 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे ये जो प्रूव करना है इसमें एक एंगल क्यू एस भी है, तो क्यू एस को भी लिखते हैं, तो क्यू एस क्या होगा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये होगा आर ओ एस प्लस ये आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, तो क्यू एस की वैल्यू क्या होगी आर ओ एस, यानी ये क्यू ओ एस की वैल्यू होगी आर ओ एस यानी ये वाला प्लस आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो हम यहाँ से क्यू ओ एस की वैल्यू लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। अब हम इसको आर ओ एस को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं प्रॉपर्टी टू बोल लेता हूँ, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ इक्वेशन टू बोल लेता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो, ये वन और टू को कंपेयर करो, तो इनका जो राइट हैंड साइड है 90 90, वो तो इक्वल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को अब हम कंपेयर करके लिख देते हैं। तो मैं इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल करके मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन है, अब इन दोनों के ये राइट हैंड साइड 90 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो, यानी कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब गौर से देखो, मैंने इक्वेशन वन और टू के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों 90 90 आ गए, तो मैंने लिख दिया आर ओ एस प्लस पी ओ एस ये, और क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो ये आर ओ एस है, ये आर ओ एस है, ये उधर जाके टू आर ओ एस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टू आर ओ एस, ठीक है, ठीक है गाइस। अब इस आर ओ एस को मैं उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा टू आर ओ एस, और इस पी ओ एस को उधर भेज देता हूँ तो क्या बनेगा क्यू ओ एस और ये माइनस पी ओ एस। क्यों भेजा मैंने पीओएस को, क्योंकि देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें भी क्यू एस माइनस पीओएस है ना, तो ये आंखें खोल के सॉल्व करना है, बस अभी हो गया सॉल्व, अभी इस टू से
नीचे डिवाइड कर दो, मतलब उधर भेज दोगे तो डिवाइड में चल जाएगा, तो आर ओ एस इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला गया 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें डब्बे में जो बना रहा हूँ यही हमें प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूफ, हेंस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। It is given that x y z is equal to 64 degree and x y is produced point P. Draw a figure from the info. तो इस इन्फो से हमें फिगर बनाना है। पहले तो हमें पता है कि x y z 64 degree है, तो ऐसे हम कुछ बना लेते हैं x y z। इसको x ले लेते हैं, है ना, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, और एंगल दरका 64, तो 64 ले लिया। फिर क्या रखा है कि x y प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी तक, तो इसको हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ तक। आई होप आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, पॉइंट पी तक इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है ये वाला पॉइंट आपका वाई है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो जल्दी नहीं है वाई। ठीक है एक्स वाई जेड 64 है और ये पॉइंट भी प्रोड्यूस कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ड्रा फिगर फ्रॉम द इन्फो, फिगर ड्रा कर लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी, वाई क्यू, तो ये वाई है, तो एक ये मैं ब्लू खींच देता हूँ जिसका नाम है वाई क्यू, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। अब ध्यान रखना किसको बाइसेक्ट कर रही है, Z, Y और P को बाइसेक्ट कर रही है। अब आप मेरी बात गौर से सुनो, और पूछ रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स पूछ रहा है क्यू वाई पी का। अब गौर से सुनना, ये 64 डिग्री था, ठीक है 64 डिग्री था ये दे रखा क्वेश्चन में, तो लीन ये एंगल है, ये लीनियर लाइन है, एक्स पी जो लाइन है एक, ठीक है, तो जो लीनियर एंगल का सम 180 डिग्री होता, तो ये 64 था, तो ये पूरा 180 माइनस 64 होगा पूरा। ठीक है तो कितना होगा ये 180 माइनस 64 कितना होता है, मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 180 माइनस 64 कितना होता है, चलो करके देख लो, ये होता है आपका 16, 116। ठीक है 116 होता है। अब इसने क्वेश्चन में कह दिया कि ये वाई क्यू जो है ये बाइसेक्ट किया जेड वाई पी को, तो ये जेड वाई पी जो पूरा जो सम है ना जेड वाई पी का वो 116 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर का लीनियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक्स वाई जेड 64 है तो जेड वाई पी कितना होगा 160। ठीक है लेकिन इसने ये लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये दोनों बराबर बराबर में कट जाएंगे, तो 116 का दो हिस्सा करेंगे तो कितना बनेगा 58, तो ये 58 होगा और ये भी 58 होगा, तो हमें एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो भी मिल गया। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू क्या होगा, ये वाला एंगल, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाला एंगल ही तो एक्स वाई क्यू। और से देखो दूसरे कलर से बताऊँ, ये पिंक से जो मैं कर रहा हूँ एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल है ना एक्स वाई क्यू, तो ये मिल गया 64 प्लस 58, तो 64 प्लस 58 कितना होता है 122, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू तो मिल गई 122, तो एक पार्ट 122, तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन का 122 डिग्री। ठीक है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स ढूंढना है, क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी का है क्यू वाई पी, यानी ये क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ये येल्लो से मैं जो कर रहा हूँ ये क्यू वाई पी ये है, और इसका हमें रिफ्लेक्स ढूंढना है, तो इसका इसका रिफ्लेक्स यानी इस एंगल का ये जो मैं कर रहा हूँ डार्क डार्क 58 डिग्री का रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स वही होगा पॉइंट पीछे वाला पॉइंट होता है ना रिफ्लेक्स, मतलब इसका इसको छोड़ के पूरा ये, तो पूरा ये कर दो 360 माइनस 58, रिफ्लेक्स एंगल जब भी पूछा हो स्ट्रेट लाइन पे तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 58 दे रखा है क्यू वाई पी, 58 हमने निकाल लिया, तो 360 माइनस 58 करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा क्यू वाई पी का, जो कि होगा 302 डिग्री, तो आंसर सॉल्व हो गया। एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकाल दी 122 डिग्री और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकाल दिया 302 डिग्री। तो इस तरह से सॉल्व करना है, इसको दो तीन बार सुन लेना समझ आ जाएगा।